बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपसे कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में जो है वो लाजमी लिखा होगा कि आपने सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, डबल कॉलम बनानी है, या ट्रेबल या थ्री कॉलम बनानी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की आप टॉप पर अगर देखो, मेरे पास पेज नंबर 259 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की टॉप पर जो है वो लिखा हुआ है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो कैश का और बैंक का कॉलम ऑफ बनाना है अपने ऑफ कुराम एंड कंपनी एंड फाइंड आउट द बैलेंस ऑन 7th of July 2015, और यकम जनवरी को क्या बैलेंस बनता है। तो यहां पर आप देखें, डबल कॉलम कैश बुक का मैंने स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है, और यहां पर जो है डबल कॉलम का मतलब यह है कि अमाउंट के दो कॉलम होंगे। तो इधर एक कैश का कॉलम आपको मिल रहा है और सेकंड जो है वो बैंक का कॉलम है। तो ये डेबिट साइड है, और इसी तरह से ये वाली राइट हैंड साइड जो है ना वो हमारी क्रेडिट साइड है। सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह ही मैंने क्या किया, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक के बाद दोबारा से हमने ये सारे कॉलम जो है वो कॉपी कर दिए हैं। ठीक है, तो ये डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट है, राइट साइड क्रेडिट है। क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन से पहले आपको मैं वर्किंग करवा देता हूँ। वर्किंग में जो है वो जस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि कैश और बैंक किस तरह से रिकॉर्ड होने हैं कैश बुक के अंदर जाके। तो वर्किंग में हमने बेसिकली करना क्या होता है, सिर्फ वो रफ एंट्रीज पास करते हैं, लेकिन उनके लिए हमको जर्नल नहीं बनाते, यानी कि सिर्फ एक रफ आइडिया देते हैं कि कैश और बैंक कहाँ कहाँ पर डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं। तो आए शुरू करते हैं। इसमें देखें ज़रा, मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ जी, कैश इन हैंड 1st of January को 50,000 रुपये और कैश एट बैंक 7 लाख से, यानी कि 1 जनवरी को कैश जो है वो 50,000 रुपया पड़ा हुआ था इनके पास, और बैंक में जो इनके पैसे पड़े हुए थे वो 7 लाख रुपये से थे। तो ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं जी, और आपको मैंने बताया था कि ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री पास नहीं होती, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि महीने के पहले दिन इतने रुपये हमारे पास पड़े हुए हैं। हम लोगों ने देखना ये होता है कि ट्रांजेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वहाँ पर बकायदा ट्रांजेक्शन शो हो रही है, जिसमें लिखा हुआ कि सैलरी पे की है। तो सैलरी पे करने की बगैर एंट्री होती है। तो आप जब आप एंट्री पास करोगे सैलरी को पे करने की, आपको पता है सैलरी आपका एक्सपेंस होता है, या वर्किंग वाले एरिया में मैं सैलरीज अकाउंट को डेबिट करूंगा और कैश पे कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट करूंगा। अमाउंट जो है यहां पर आ रही है 40,000, तो एक्सपेंस ने डेबिट होना है, और कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो सैलरी टू कैश एंट्री पास करेंगे। उसके बाद है जी, पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे कर रहे हैं चेक के थ्रू। तो रेंट आपका एक्सपेंस होता है और पेमेंट हो रही है चेक के थ्रू, तो आप जो है वो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट यहां पर आ रही है जी आपकी कितनी है, 40,000 से सैलरीज थी, और आपका जो रेंट आ रहा है दैट विल बी कम्स विद द 30,000। तो चेक का जब वर्ड आ जाएगा तो आपने करना क्या है, बैंक अकाउंट जब आप चेक देंगे तो डेफिनेटली वो पार्टी चेक लेकर बैंक में जाएगी और बैंक से पैसे निकलवाएगी, तो अल्टीमेटली हमारा बैंक अकाउंट जो है ना वो डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा, लिखा हुआ बॉट गुड्स बाय चेक, गुड्स परचेज कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो आपने एंट्री क्या पास करनी है, परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देना है, और जब आप चेक इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट आपका डिक्रीज होगा। और अमाउंट जो यहाँ पर आ रही है ये मेरे पास आ रही थी 4,30,000 से, तो 4,30,000 से आप ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एंट्री आ रही है इसमें देखें, ट्रांजेक्शन जो आ रही है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल हो रही हैं कैश पर, तो कैश इट मींस आ रहा है और गुड्स हमारे पास से जा रही हैं, तो कैश टू सेल्स एंट्री पास होगी और ये अमाउंट बनेगी 75,000 से। नेक्स्ट देखिएगा, मशीनरी बाय चेक, बॉर्ड मशीनरी बाय चेक, मशीनरी परचेज हो रही है, तो मशीनरी जब आप खरीदोगे तो मशीनरी आपके बिजनेस में आएगी, आपका एसेट होगा, और पेमेंट अगर चेक के थ्रू हो रही है तो इट मींस के बैंक अकाउंट ने हमारे कम होना है। और अमाउंट यहाँ पर जो मशीनरी की आ रही है दैट इज़ 1,25,000 से, तो मशीनरी डेबिट होगी और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, लिखा हुआ जी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवाए हैं, बेसिकली बैंक में पैसे जमा होते हैं तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, बैंक एसेट है इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और कैश बिजनेस का कम हो जाएगा, यानी कैश बिजनेस से उठाकर आपने बैंक में जमा करवाया 70,000 से, तो कैश वाला एसेट डिक्रीज होगा, बैंक वाला एसेट इंक्रीज हो जाएगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं बिजनेस यूज के लिए, तो रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, यानी जब आप बैंक से पैसे निकलवाओगे तो सीधी सी बात है बैंक अकाउंट ने कम होना है, और बैंक हमारा एसेट है कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो 45,000 रुपये से आपने बैंक अकाउंट को कम कर देना है। और ये पैसे पर्सनल यूज का वर्ड नहीं आ रहा, विड्रॉ का मतलब ड्राइंग नहीं होता हरगिज़, विड्रॉ का मतलब है निकलवाना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्राइंग का वर्ड लिख देते हैं जो कि गलत,
होता है बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं लेकिन किस पर्पज के लिए, अगर लिखा हुआ उसने फॉर बिजनेस यूज, तो बिजनेस के हवाले से अगर पैसे निकल रहे हैं तो फिर कैश आपका दोबारा से बिजनेस का इंक्रीज हो जाएगा, तो कैश टू बैंक एंट्री पास होगी। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर जो है वो कैश सेल्स लिखा हुआ है, कैश सेल्स का मतलब वो सेल जो कैश पर हुई है, तो इसकी एंट्री हम जर्नल में काफ़ी दफ़ा पास कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी आई है, तो सिंपल एंट्री इसकी आएगी कैश टू सेल्स 90,000 के साथ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखिएगा, इसमें लिखा हुआ विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, यहाँ पर कैश निकल रहा है, कैश अगर निकल रहा है तो इसका मतलब है बिजनेस का कैश कम हो रहा है, कैश जब कम होगा तो आपने उसको क्रेडिट करना होता है, 40,000 से कैश कम हो रहा है, और पर्सनल यूज़ का अगर वर्ड आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, ड्राइंग्स का वर्ड ले यूज़ करते हैं, यानी ऑनर जो है वो 40,000 रुपये अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकलवा रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट होगी एंट्री। और लास्ट एंट्री जो है वो लिखा हुआ रिसीव बैंक इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक वाले यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक अकाउंट होता है, उसमें जो है वो जो बंदा पैसे जमा करवाता है बैंक जो है उन पैसों के ऊपर एक फिक्स अमाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करता है, जो कि उस बंदे के लिए इनकम होती है, बैंक के लिए वो एक्सपेंस होता है, यहाँ पर हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उसके अकाउंट में जो है बैंक की तरफ से इंटरेस्ट आया है, ठीक है, तो इसका मतलब है बैंक इंटरेस्ट जो है वो उस पर्सन के लिए इनकम है, तो इनकम अब यहां पर अगर देखा जाए तो जब बैंक जो है वो इंटरेस्ट के पैसे यानी हराम के पैसे उसके अकाउंट में डालेगा तो 3,000 से बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, और बैंक इंटरेस्ट जो है वो इनकम होती है, तो यहाँ पर जो है वो आप 3,000 से इनकम की इंक्रीज जो है वो क्रेडिट होती है, तो बैंक इंटरेस्ट यानी कि हराम को आप यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। अब ये आपकी टोटल एंट्रीज हैं, इन्हीं एंट्रीज को देखते हुए आपने स्टूडेंट्स इसकी जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करनी है, और पोस्टिंग में जब हम देखते हैं तो आप देखें फर्स्ट एंट्री जो आ रही है यहाँ पे, इसमें अब ये डबल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट आपको मिलेगा, वैसे मैं आपको बुके वाले से भी बता देता हूँ, इधर भी मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट मिलेगा वो आपको पेज नंबर अगर आप अपने तौर पर देखना चाहें तो पेज नंबर जो है 221 है जी, वहाँ पर आपको इसका फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा प्रॉपरली। तो चलें हम इसकी अब पोस्टिंग करते हैं, देखें ज़रा फर्स्ट नंबर पर उसने लिखा हुआ था जनवरी फर्स्ट में जो है यानी फर्स्ट ऑफ जनवरी को कैश पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड का वर्ड आ रहा है, तो कैश जो पड़ा हुआ है वो 50,000 रुपये से है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन 50 कैश वाले कॉलम में, ये ध्यान रखना है कि कैश के कॉलम में अमाउंट लिखी जाए, 50,000 से लिख दिया, और फर्स्ट जनवरी को ही कैश एट बैंक, बैंक में जो पैसे पड़े हुए वो 7,00,000 से पड़े हुए, तो यहाँ पर आपने इधर 1, 2, 3, 4, 5 ये 7,00,000 रुपए से आपने बैंक अकाउंट को भी शो कर दिया, तो फर्स्ट जनवरी का बैलेंस इस थे। उसके बाद सेकंड ऑफ जनवरी को कह रहा है जी सैलरी पे किए हैं, यहाँ से अब उठाकर पोस्टिंग करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में की थी या जिस तरह हमने जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की थी, तो सैलरी जो है वो डेबिट हो रही है, लेकिन हमने फोकस किसको करना है, हमने फोकस करना है कैश को, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, तो सैलरी को नहीं देखना आपने बल्कि आपने कैश को देखना है कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, तो कैश यहाँ पर मेरे पास 40,000 से क्रेडिट हो रहा है, मैंने क्रेडिट साइड पर जाना है और कैश वाले कॉलम में डायरेक्ट कैश वाले कॉलम में इधर मैंने 40,000 लिख देना है, और इसके अगेंस्ट मैंने शो करना है जी ये सैलरी अकाउंट था और ये 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन थी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा रेंट टू बैंक एंट्री आ रही है, तो हमने जो है वो डबल कॉलम कैश बुक यहाँ पर बनाई हुई है, उसका मतलब है बैंक का कॉलम भी, बैंक की अमाउंट भी रिकॉर्ड होगी, तो बैंक जो है यहाँ पर 30,000 से क्रेडिट हो रहा है, आप डायरेक्ट इधर क्रेडिट साइड पर आ जाएं और बैंक वाले कॉलम में आ जाएं और 30,000 से इधर रिकॉर्डिंग करें, और इसके अगेंस्ट आप लिखेंगे जी रेंट अकाउंट, ये किस डेट की ट्रांजेक्शन थी, ये थी आपकी इसी तारीख की यानी कि 2 जनवरी की। उसके बाद गुड्स परचेज हो रही थी, बॉड गुड्स यहाँ पर अगर देखें परचेजेस टू बैंक लिखा हुआ था, 4,30,000 रुपये की जो है वो परचेजेस थी, बैंक अकाउंट फिर क्रेडिट हो रहा था, तो क्रेडिट वाली साइड पर आपने जो है वो बैंक के कॉलम में 4,30,000 की अमाउंट को पोस्ट करना है, और उसके अगेंस्ट जो है वो आपने शो करना है परचेजेस अकाउंट को। अच्छा, अब यहाँ पर परचेजेस अकाउंट आपने शो किया और ये जो ट्रांजेक्शन आ रही है जी ये 4 जनवरी की आ रही है। नेक्स्ट में देखें सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं कैश पर, यहाँ पर कैश आप देखें 75,000 से क्या हो रहा है जी डेबिट हो रहा है, सॉरी 75,000 से डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट वाली साइड पर पहले आएंगे, उसके बाद कैश वाले कॉलम में आएंगे, 75,000 से इसको डेबिट करेंगे और अगेंस्ट इसके आ रहा है जी सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट को इसके सामने लिख देंगे, और इसकी अमाउंट आ रही है जी क्वेश्चन में डेट जो आ रही है वो है 5 जनवरी, तो 5 जनवरी की डेट डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में बैंक अकाउंट 1,25,000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, तो 1/25 से जो है वो बैंक को क्रेडिट करेंगे, ये क्रेडिट साइड है बैंक का कॉलम है, 1/25 से इसको क्रेडिट किया और उसके अगेंस्ट जो अकाउंट आ रहा होगा दैट इज मशीनरी अकाउंट, और डेट जो आ रही है यहाँ पर वो है 6 जनवरी,
उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा लिखा हुआ जी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, कितने रुपए जमा करवाए हैं, 70,000 रुपया। तो बैंक जो है वो यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो आपने डेबिट वाली साइड पर ये बैंक का कॉलम है 70,000 से इधर अमाउंट पोस्ट करनी है, और उसके अगेंस्ट अकाउंट कौन सा जी कैश का, तो आप जो है वो कैश अकाउंट आप लिख देंगे। और यहाँ पर आप जो है वो कैश अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, यानी कि एक एंट्री में कैश भी आ रहा है उसी एंट्री के अंदर। तो कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट वाली साइड पर आएंगे, कैश वाले कॉलम में आएंगे, और यहाँ पर 70,000 लिखेंगे, और उसके अगेंस्ट हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। अब आप ये वाली एंट्री जो है ना, इस एंट्री में और पिछली एंट्रीज में ज़रा डिफरेंस देखें। पिछली एंट्रीज की जो है ना वो एक साइड सिर्फ रिकॉर्ड हुई थी, या तो डेबिट साइड रिकॉर्ड हुई थी, या जैसे कि ये देखें ये क्रेडिट साइड है, इसकी क्रेडिट है, इसकी क्रेडिट है, इसकी डेबिट है, इसकी क्रेडिट है, यानी एक साइड रिकॉर्ड की थी, जबकि ये वाली एंट्रीज जो है ना इस एंट्री में हमने दोनों साइडें जो है वो कैश बुक के अंदर पोस्ट की हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो यहाँ पर अगर दोनों साइडों पर पोस्टिंग हो रही है ना, तो कैश बुक के चैप्टर में वो एंट्री जिसकी दोनों साइडों पर जो है वो पोस्टिंग हो रही हो, उस एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का जो वर्ड है वो सेम की सेंस में आएगा, यानी कि एक जैसी अमाउंट जो है वो डेबिट साइड पर भी आनी है और क्रेडिट साइड पर भी आनी है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 70,000 से जो है ये अमाउंट लिखी हुई है, और 70,000 से क्रेडिट साइड पर, यानी डेबिट साइड पर भी अमाउंट लिखी हुई है और क्रेडिट साइड पर भी अमाउंट लिखी हुई है। तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रा एंट्री है, और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आपने करना क्या है, आपने जस्ट एक छोटा सा सी जो है वो शो कर देना है लेजर फोलियो वाले कॉलम में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका मकसद क्या होगा, इसका मकसद जस्ट ये शो करना है कि ये काउंटर एंट्री है। एग्जामिनर जो है वो चेक करता है आमतौर पे, अगर पेपर में कैश बुक का क्वेश्चन आए कि काउंटर एंट्री इसने जो है वो पोस्ट की है, और कितनी दफ़ा जो है वो काउंटर एंट्री इस क्वेश्चन में आ रही है, उसी के अकॉर्डिंगली वो जस्ट क्वेश्चन को डिटेल के देखने के बजाय वो जो है सिर्फ काउंटर एंट्री को देखकर ही नंबर दे देता है बाज़ औक़ात, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि स्टूडेंट को अगर काउंटर एंट्री का कॉन्सेप्ट पता है तो इट मीन्स कि उसे कैश बुक वाला क्वेश्चन आता है। खैर नेक्स्ट में देखते हैं, तो नेक्स्ट एंट्री भी अगर आप इस पर भी ज़रा गौर करो तो ये भी आपको कॉन्ट्रा एंट्री नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें भी कैश आ रहा है और बैंक भी आ रहा है, तो कैश और बैंक दोनों की रिकॉर्डिंग करनी है हमने। तो अब देखिए ज़रा इसकी अगर हम पोस्टिंग करें तो कैश अकाउंट जो है 45,000 से डेबिट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, ये डेबिट साइड है, ये कैश का कॉलम है, इधर 45,000 से इसको डेबिट करें, और अगेंस्ट आएगा जी बैंक का अकाउंट, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड है, ये बैंक का कॉलम है, 45,000 से इसको क्रेडिट करें, और अगेंस्ट आएगा कैश का अकाउंट। और ये वाली एंट्री भी चूंकि काउंटर है, इसलिए इधर भी लेजर फोलियो में इधर भी सी लगाएंगे और यहाँ पर भी सी लगाएंगे। और ये वाली जो एंट्रीज आ रही थी आपकी, ये दोनों ये आ रही है 6 जनवरी की और दूसरी है 7 जनवरी की। तो ऊपर वाली 6th ऑफ जैन है, ऊपर वाली की डेट 6th ऑफ जैन है, और ये वाली है 7th ऑफ जनवरी। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ जी कैश सेल 90,000 से, तो आपने ये एंट्री पास की भी है, इसमें कैश डेबिट हो रहा है 90,000 से, ये डेबिट साइड है, ये कैश का कॉलम है, 90,000 से इसको डेबिट करेंगे, और अगेंस्ट आएगा जी सेल्स अकाउंट, और डेट इसकी आ जाएगी, क्वेश्चन में क्या डेट आ रही थी, 7th ऑफ जनवरी, तो यही डेट, ऊपर वाली डेट ही नीचे आ गई। सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन में देखें, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 40,000 से, तो क्रेडिट साइड ये है, ये कैश का कॉलम है 40,000 से। बस ये ध्यान रखना होता है कि हम राइट कॉलम में पोस्टिंग कर रहे हो, ये ना हो कि क्योंकि कॉलम दोनों साथ साथ बने हुए अमाउंट्स के, तो ये ना हो कि दूसरे कॉलम में जो है वो पोस्टिंग हो जाए, बस इस चीज़ का लाजमी आप ध्यान रखा करें, बाकी इंशाल्लाह गलती नहीं होती। ये वाली जो ट्रांजेक्शन है इसकी जो डेट है वो भी 7th ऑफ जनवरी है। और लास्ट वाली जो ट्रांजेक्शन है बैंक इंटरेस्ट वाली, इसमें बैंक डेबिट हो रहा था 3,000 से, ये डेबिट साइड है, ये बैंक का कॉलम है, इधर 3,000 लिखे हैं, और इसके अगेंस्ट आ रहा है जी बैंक इंटरेस्ट, इसको शो करें, और इधर जो है वो 7 जनवरी की डेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ, स्टेप वन में हमने वर्किंग की थी, स्टेप टू में हमने सोल्यूशन किया, स्टेप थ्री में जो है वो हम कैलकुलेशन करेंगे, बैलेंसिंग यानी कि हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन वन बाय वन करनी है, यानी कि कैश का कॉलम भी है और बैंक का कॉलम भी है, तो पहले कैश की डेबिट को कैश की क्रेडिट के साइड के साथ कंपेयर करेंगे, फिर बैंक की डेबिट साइड को बैंक की क्रेडिट साइड के साथ कंपेयर करेंगे, और देखेंगे कि क्या क्या बैलेंसेज आते हैं। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले मैं देखता हूँ, ये कैश का कॉलम है मेरे पास और इधर भी कैश का कॉलम है, और मुझे अपेरेंटली जो है वो डेबिट साइड ही बड़ी नज़र आ रही है, तो मैंने पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेना। अब यहाँ पर मेरे पास डेबिट साइड पर 50,000 है, फिर 75,000 है, देन 45,000 है कैश वाले कॉलम में, एंड द लास्ट वन इज़ 90,000 है। तो मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है जी 2,60,000। इसमें से मैंने माइनस करना है कैश की क्रेडिट साइड को, यानी कि अब इक्वल करना है, यानी कि आप करोगे क्या, दोनों साइड्स जो है दोनों साइड्स पर सेम अमाउंट लिखोगे,
और आप इधर जो है वो बैलेंस कैरेट डाउन लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि अब बैलेंस आना है। तो 260,000 में से ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आउट हो रही हैं, यानी क्रेडिट साइड पर जो कैश लिखा होता है वो बेसिकली पे हुआ होता है, जैसे कि सैलरी के अगेंस्ट पे हुआ हुआ है, बैंक के अगेंस्ट पे हुआ हुआ है, ड्राइंग के अगेंस्ट पे हुआ हुआ है। तो माइनस करें इसमें से 40,000 सैलरीज वाला जो कैश है, फिर आप लेस करें इसमें से 70,000 बैंक वाला जो कैश है, और फाइनली आप लेस करें इसमें से 40,000। तो मेरे पास जो कैश का एंडिंग बैलेंस आ रहा है इस महीने के एंड पर वो 110,000 रुपये से आ रहा है। और इसी तरह से आपने बैंक की भी पोस्टिंग कर लेनी है, ठीक है। तो बैंक की पोस्टिंग के हवाले से अगर हम लोग देखें तो आप देखिएगा बैंक की जो डेबिट साइड है इस पर पहले आ रहा है 7 लाख, फिर आ रहा है जी मेरे पास 70,000, और फिर आ रहा है 3,000। तो ये मेरे पास 7,73,000 से डेबिट साइड की अमाउंट आ रही है। इसमें से मैंने क्रेडिट साइड को जो है वो माइनस करना, तो मैं यहीं से ही माइनस करता हूँ, कितना 30,000 माइनस 4,30,000 माइनस 1,25,000 एंड द फाइनली इज 45,000। तो मेरे पास जो एंड पर बैलेंस आ रहा है बैंक का वो है 1,43,000 रुपये से, 1,43,000 बैंक का एंडिंग बैलेंस है। अब ये जो एंडिंग बैलेंसेज है ना ये नेक्स्ट मंथ के, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1 फरवरी के, सॉरी यहाँ पर 7 जुलाई है, 7 जनवरी तक की उसने बात की थी। तो इसका मतलब है कि जो 8 जनवरी होगी उससे जो अगली जो डेट आएगी 8 जनवरी 2015 की, उसमें ये वाले जो कैरेट डाउन के बैलेंसेज हैं इनको ब्रॉड डाउन कहा जाएगा, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसकी लिख देंगे, कैश की अमाउंट यहाँ पर और बैंक का जो बैलेंस है बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से मैंने पहले इसकी वर्किंग की है और फिर उसका सलूशन किया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपने तौर पर इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।